तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच में लगातार तनातनियां चल रही है और अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर बिल्कुल वैसे ही आरोप मढ़े गए हैं जैसे कि कनाडा द्वारा मढ़े गए थे। यानी भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा अपने द्वारा नॉमिनेट किए गए आतंकी जो कि अमेरिका में निवास करता है, उसके असासिनेशन को लेकर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई को अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी द्वारा नाकाम कर दिया गया। दरअसल ये असासिनेशन बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप जानते ही होंगे कि पन्नू के संबंध में कहा गया था। वैसे इसको लेकर भारत ने तो अभी तक डिनाई कर दिया है। इसके ऊपर एक कमेटी बनाने की भी बात कही गई है जो कि विस्तृत रूप से रिपोर्ट जारी करेगी। उसका संभव तो हमें वेट करना होगा किसी भी निर्णय को लेकर कि क्या भारत की तरफ से वास्तविकता में ऐसा कोई प्रयास किया गया है। लेकिन अमेरिका ने ये जो कुछ भी किया है कि भाई भारत की सीक्रेट एजेंसीज और भारत के एजेंट्स अमेरिका की जमीन पर आकर अपने दुश्मनों को असासिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। इस तरह के आरोप भारतीयों के ऊपर शोभा देते हैं क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते थे कि दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर कोई भी भारत विरोधी काम कर दिया करता था और उसे पता था कि भारत कुछ भी रिटेलिएट वगैरह नहीं करेगा। लेकिन आज की परिस्थितियां डिफरेंट हो चुकी है। भारत की सीक्रेट एजेंसीज भी अब मोसाद या फिर CIA जैसे सीक्रेट एजेंसीज की लिस्ट में शामिल हो चुकी है जो कि अपनी जमीन के साथ साथ दूसरी जमीन पर जाकर भी अपने ऑपरेशंस कर सकती है। एग्जाम्पल कई सारे देखे हैं। अननोन गनमैन के बारे में जितनी भी खबरें हम लोगों ने आज तक सुनी है उन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच एक और खबर निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को कुछ इनपुट्स दिए गए हैं और ये दिए गए हैं भारत की इंटरनल सिक्योरिटीज को लेकर। हम सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इस समय काफी ज्यादा प्रगाढ़ लेवल पर बनी हुई है और दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कई सारे पैक्ट भी भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए हैं जिसके तहत इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों देश ईच अदर रॉ फॉर्म में करेंगे। इन सब को लेकर भी कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल बेका हो गया, कामकासा हो गया, लेमोआ हो गया, इस तरह के कई सारे पैक्ट भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुए हैं। इसका पहला एडवांटेज हमें तब देखने के लिए मिला पब्लिकली जब अमेरिका द्वारा एक इनपुट दिया गया था भारत को LSE को लेकर। चाइनीज सेना की एक टुकड़ी भारत की सीमा में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। इस बारे में इंटेलिजेंस अमेरिका द्वारा भारत को दी गई, भारत द्वारा भी तगड़ी फील्डिंग की गई और बाद में इन चाइनीज सोल्जर्स को कूट कूट कर बाहर भगा दिया गया। तो ये पहला ऐसा मौका था जो कि पब्लिकली सामने आया था और हमने जाना था। अब इसी तरह का एक और इनपुट दिया है और ये इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर दिया गया है। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि कुछ संगठित अपराधी, हथियारबंद हमलावर और आतंकियों, इन सभी के बीच में कुछ साजगांठ हुई है भारत के अंदर हिंसक माहौल को जनरेट करने के लिए। यानी जो अपराधी संगठन होते हैं, हथियारबंद लड़ाके वगैरह होते हैं, कुछ आतंकी संगठन होते हैं, ये सारे एकजुट होकर भारत के अंदर किसी तरह का कोई बड़ा कांड कर सकते हैं। इस तरह का इनपुट दिया गया है अमेरिका की तरफ से भारत को और भारत ने भी इस इनपुट मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए इनसे निपटने के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा दी गई है और इन सब के बारे में संपूर्ण जानकारी विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अमरिंदर बगाची जी, उन्होंने 29 नवंबर के दिन सार्वजनिक तौर पर दी। तो ये काफी अच्छी बात है कि भारत अमेरिका के बीच में ये जो इनपुट साझा करने वाली बात है एक दूसरे देश के हित के लिए, ये काम लगातार चल रहा है और इससे ये बात भी साबित होती है कि भारत अमेरिका के लिए और अमेरिका भारत के लिए किस लेवल पर जरूरी है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है और जो इस समय रॉ के बारे में बातें कही जा रही है, इन सबको सुनकर आपको क्या गौरवान्वित महसूस होता है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।